सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे पुनरावृत्ति कार्यांक अभ्यास कार्य, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हो उसी का अभ्यास कार्य है। समझ पर आधारित कर्ता कारक प्रथम विभक्ति के बारे में दिया हुआ है, इसको समझ जाते हैं। और यदि एक बार आपने समझ लिया तो ये बहुत ही सरल है बच्चों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में प्रथम विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्या लगाते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिस पुल्लिंग शब्द का लास्ट एंडिंग वर्ड अ हो, जैसे सैनिक, जनक, सेवक, वृक, अश्व, तो उसमें क्या लगाते हैं? एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ और बहुवचन में आह प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे सैनिक का एक वचन में विसर्ग बोले तो सैनिक, औ बोले हैं द्विवचन में तो सैनिक, और बहुवचन में आह बोले तो सैनिका सैनिका सैनिको सैनिका। उसी प्रकार जनक का हो जाएगा जनका जनको जनका, सेवक का सेवका सेवका सेवका, मृग का मृग मृग मृगा, अश्व का अश्व अश्व अश्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में तीनों वचनों में आ ए आह प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे बाला बाले बालाह, उसी प्रकार माला माले मालाह, अजा अजे अजाह, धरा धरे धराह, कलिका कलिके कलिकाह। नेक्स्ट है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में तीनों वचनों में अम ए आनी प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे कमल का क्या हो जाएगा कमलम एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा कमले और बहुवचन के लिए कमलानी। उसी प्रकार नेत्र का नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, फल का फलम फले फलानी, मुख का मुखम मुखे मुखानी, पुष्प का पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। नेक्स्ट पेज नंबर 180 को पढ़ते क्या पूछा है। नेक्स्ट है नंबर 4, निम्नलिखित धातुओं के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थान भरिए केवल लट लकार में, ऐसा दिया हुआ है। तो लट लकार के स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है क्या? तीत अंति सी थ आमी आवा आमा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो सब्जेक्ट कर्ता क्या दिया? मृगा, बहुवचन में है तो धाव का क्या हो जाएगा? धावंती, तीतांती होता है ना, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का मृगा धावंती, बाल का गम का द्विवचन है तो गच्छता, फलम का पथ का पतति, चक्रे का द्विवचन है तो भ्रमता, रेखा पठ का एक वचन है पठती, देव का देवा, लिख का लिखती, सिंहा गर्ज का गर्जंती बहुवचन है, और कन्या द्विवचन है इसलिए खाद का खादतः। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कर्ता पद भरिए, जैसे पंकज तो पंकज भ्रमति, पंकज कर्ता को फिल करना, तो क्रिया जैसे दिया है क्रिया द्वि उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का आपको क्या करना है उसके अनुसार से आपको कर्ता फिल करना है। जैसे यहाँ पर भ्रमति दिया है, भ्रमति दिया है तो यहाँ पर पंकज का क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है भ्रमति, तो पंकज का पंकज ही होगा, क्योंकि एक वचन में क्या होगा? पंकज का पंकज हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो पंकज का पंकज भ्रमति एक वचन। उसी प्रकार बाल का लिखत, ये भी एक वचन, तो बाल लिखत, चलता द्विवचन का द्योतक है, द्विवचन को बोध करा रहा है ना, तो गज का द्विवचन गजो चलता, सिंह का गर्जता द्विवचन है तो सिंह का सिंहा। उसी प्रकार छात्रा का पिबंती दिया है, तो यहाँ पर पिबंती क्या है? बहुवचन है, इसलिए छात्रा का छात्रा बहुवचन हो जाएगा। रक्षंती बहुवचन है तो सैनिक का क्या हो जाएगा? सैनिका। विकसति एक वचन है तो कलिका का कलिका ही होगा, क्योंकि एक वचन है ना। उसी प्रकार भ्रमंती यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भ्रमंती बहुवचन है तो चक्र का चक्राणी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को फिल करना है, कुछ भी शब्द दे दिया जाए क्वेश्चन में पेपर में, है ना, तो आप लोगों को उसमें इस प्रकार से यदि समझ जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति में क्या दिया हुआ है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में अम औ आन प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या है, देव का देवम देवो देवान, उसी प्रकार नर का नरम नरो नरान, सैनिक का सैनिकम सैनिको सैनिकान, सिंह का सिंहम सिंहो सिंहान, सुख का सुकम सुखो सुकान, मुसक का मुस्कम मुस्को मुस्कान, एक चूहा दो चूहे और दो से अधिक चूहे, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में
ये अभी पढ़े जो किसके बारे में, पुल्लिंग शब्द के बारे में, अकारांत पुल्लिंग शब्द कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। और अभी क्या पढ़ रहे हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति के लिए क्या लगाते हैं, आम ए आ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे लता के लिए बनाना है लता शब्द का द्वितीय विभक्ति तो लताम लते लता, उसी प्रकार कन्या का कन्याम कन्ये कन्या, कलिका का कलिकाम कलिके कलिका, चटका का चटकाम चटके चटका, नौका का नौकाम नौके नौकाहा। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में अम ए आनी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। किसमें, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में। याद रखिए अब इसको आप लोगों को माइंड में कैसे रखोगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति के लिए अम औ आन जोड़ते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति के लिए, है ना, यहाँ पर भी द्वितीय है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति के लिए आम अवान, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति के लिए आम ए आह, और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति के लिए अम ए आनी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो ये तीन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको यदि जान लिए तो कोई भी शब्द दे आपको उससे रिलेटेड आप जो है बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्ग इसमें दिया हुआ है फल, तो फलम फले फलानी, उसी प्रकार चक्र का चक्रम चक्रे चक्राणी द्वितीय विभक्ति है ना, कमल का कमलम कमले कमलानी, चित्र का चित्रम चित्रे चित्राणी, भवन का भवनम भवने भवनानी। तो इस प्रकार से आप यदि स्ट्रक्चर आपको पता है तो बहुत ही सरल है, कोई भी शब्द एग्जाम में आप इजी वे में बना सकते हो। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। डैश त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो, तो गृह का क्या हुआ गृहम। उसी प्रकार सुरेशा डेस्क विभक्ति, तो जल का जलम। बालिका डेस्क पठंती, पुस्तक का पुस्तकम। यूयम डेस्क गायत, गीत का गीतम। बालका डेस्क पिबंती दुग्धम। अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय का विद्यालयम। छात्रा डेस्क पश्यन्ति वाटिकाम। बालका डेस्क खादती भोजनम, तो डेस्क जिग्रता पुष्पम। सैनिका डेस्क रक्षन्ति तो देशम। एंड यूयम डेस्क वद तो कथाम। इसमें आप लोगों को क्या करना है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड ऐसा जो है सेंटेंस वर्ड आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। देवम का मूल शब्द देव, लिंग पुल्लिंग विभक्ति द्वितीय और वचन एक वचन। भवनानी का भवन, नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन। लते का लता, स्त्रीलिंग प्रथम प्रथमा द्वितीय बोध और वचन द्विवचन। पुस्तकालयम पुस्तकालय, नपुंसक लिंग शब्द द्वितीय एक वचन। कच्छपा कच्छप, पुल्लिंग शब्द प्रथमा एक वचन। इस प्रकार से आप लोगों को मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन पूछने के लिए आ सकता है, तो इसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है करण कारक। इससे पहले कर्म कारक पढ़े, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, करण कारक तृतीय विभक्ति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में तृतीय विभक्ति के लिए एन आभ्याम ऐह प्रत्यय जोड़े जाते, जैसे सिंह का सिंहेन, सिंहाभ्याम सिंह, अश्व का अश्विन, अश्वाभ्याम अश्वैह, देव का देवेन, देवाभ्याम देवैह, मेघ का मेघेन, मेघाभ्याम मेघैह। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में तृतीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में अया आभ्याम आभि प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे कन्या का कन्याया, कन्याभ्याम कन्याभि। सूचिका का सूचिकया, कामिबड़िया की मात्रा जो का है वो कट जाएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर सिंगल जैसे अ बस लगेगा, सूचिकया जैसे कन्याया हुआ यहाँ पर, है ना, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभी। छात्रया छात्राभ्याम छात्राभी। मालया मालाभ्याम मालाभी। अजया अजाभ्याम अजाभी। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप तृतीय से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान होते हैं, जैसे पत्र का पत्रेण पात्राभ्याम पत्राभ्याम पत्र है। मुख का मुखेन मुखाभ्याम मुख है। वन का वनेन वनाभ्याम वन है। अन्न का अन्नेन अन्नाभ्याम अन्न है। जल का जलेन जलाभ्याम जलय है। इस प्रकार से आप लोग जो है इसका स्ट्रक्चर यदि आप लोगों को पता है तो बहुत इजी वे में इजी तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर जिसमें जैसे दिया हुआ है ना, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में तृतीय विभक्ति के लिए तीनों वचनों में आया आभ्याम आभी, और इससे प्रीवियस जो पढ़े हैं उस रूल्स को आप लोगों को याद होना चाहिए कि अकारांत पुल्लिंग में क्या लगता है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लगता क्या लगता है, अकारांत नपुंसक लिंग में क्या लगता है। तो अकारांत नपुंसक लिंग में वो द्वितीय है कि प्रथमा है कि तृतीय, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अनुसार से आप लोग उसमें फार्मूला फिट करके जो तीनों वचनों को आप लोग बना सकते हो। ओके, तो ये सब याद कर लीजिएगा बच्चों।
कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति करण कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। बालकः कलमेम लिखति, बालक कलम से लिखता है। तो अहम डेश जिग्रामी नासिकया, नासिका का नासिकया। नभः डेश विभाति, तारक तारक का तारकय है। आकाश तारों से शोभित होता है। अहम नासिकया जिग्रामी, मैं नासिका से सुगंध लेता हूँ। रमा डेश सह क्रीडति, रमा बालिका भी बालकों के साथ, बालिका भी सह क्रीडति, रमा बालिकाओं के साथ खेलती है। अश्वा डेश सह धावंती, अश्व अजा डेश सह चरती, चरंती अजा भी है। जना डेश चलंती, चो चरणाभ्याम चरणों से पैरों से चलते हैं। गजा डेश चलंती, पैदह चलंती। और याचिका डेश बधिरास्ति, कर्णाभ्याम कानों से बह रहा है। एंड भिक्षुका डेश काणास्ति, नेत्रेण काणा अस्ति। तो इस प्रकार से ये करण कारक तृतीय विभक्ति कंप्लीट होता है आप लोगों का। और फिर नेक्स्ट पेज नंबर 121, उसको नेक्स्ट वीडियो में वाच करेंगे। इतना तक है ना, इतना आप लोगों के लिए जो है सिलेबस भी कंप्लीट होता है। और इस जितना ग्रामर है उसको अच्छे से समझना है, और कुछ भी डाउट है तो उसमें आप लोगों को जो है मीटिंग में कंसल्ट करना है। ओके बच्चों।